जानकारी के लिए राजीव और पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जयपुर में, सीधे लिए चलते हैं। एजेंसी में काम करने वाली जो एजेंसी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके साथ नरमी से पेश आवे और उनको बेवजह किसी भी चीज के लिए परेशान ना किया जावे। अगर हमारे पास कोई ऐसी शिकायत आई तो उस मकान मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ज्यादातर सर्विसेज बंद हैं एसेंशियल सर्विसेज के अलावा, अतः जो कंपनीज डोर टू डोर डिलीवरी में इन्वॉल्व हैं, रिलायंस फ्रेश है, बिग बाजार है, स्विगी, जोमेटो, फ्यूचर रिटेल, इस तरह की जितनी भी कंपनीज थी उनके प्रतिनिधियों के साथ, उनके मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ हमने आज बैठक करके उनको प्रेरित किया है कि वो अपने इन सर्विसेज की गति को और बढ़ाएं, साथ ही साथ उनके समस्त कर्मियों को बेरोक टोक आवाजाही हो सके इसके लिए उनको प्राधिकृत स्वीकृति जारी की है और उस स्वीकृति के आधार पर वो कहीं भी पुलिस के किसी भी नाके या यातायात के किसी भी नाके के द्वारा नहीं रोके जाएंगे। सभी प्रोविजनल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, किराना स्टोर्स, उन सभी लोगों को थाना स्तर पर बैठक करके इस चीज के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपनी दुकान को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए खुला रखें। उनके खोलने के समय को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी, वो जितना देर चाहे अपनी दुकान को देर रात तक, अर्ली मॉर्निंग, जब तक वो चलाना चाहे वो चला सकते हैं। उनको इस चीज के लिए भी प्रेरित किया गया है कि वो अपने आसपास के इलाके में डोर टू डोर डिलीवरी करें, अपने कस्टमर्स को अपने मोबाइल नंबर देवें और कस्टमर के कॉल करने पर अपने किराना स्टोर से घर तक डिलीवरी करें ताकि लोगों को घर से बाहर कम निकलना पड़े। साथ ही साथ फल की, सब्जी की ठेला लगाने वाले, उनकी मीटिंग्स थाना स्तर पे करके उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो भी एक जगह स्थिर रहने की बजाय गली मोहल्लों तक, रेजिडेंशियल कॉलोनीज तक लगातार जैसे होकर की तरह अपने मूवमेंट रखें और घर घर जाकर अपने सामान की बिक्री करें। तो लॉकडाउन को लेकर ये प्रेस वार्ता जिसमें बताया जा रहा है कि आम लोगों को लॉकडाउन से कोई दिक्कत ना हो उसके लिए कैसी कैसी कोशिशें यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं।